23 सितंबर नूं महापरोपकार जिहड़ा दिवस दा भंडारा जिहड़ा उसकी समाप्ति हो चुकी है। फिलहाल तस्वीरां असीं तुहानूं दिखा दिंदे हां, समाप्ति कुछ देर पहलां ही होई है। तो उस तो बाद जिहड़ी साध संगत नूं लंगर भोजन की जिहड़ी व्यवस्था है सेवादारा वल्लों जिहड़ी कीती गई है, सैकड़ा सेवादारा ने ड्यूटी पहलां तो ही संभाल रखी थी। उस तो बाद साध संगत नूं कुछ ही चंद मिनटां दे विच लंगर भोजन छका दिता जाएगा। मेरे सहयोगी लखजीत भी मेरे नाल आ, जिन्हां ने इस भंडारे नूं देर शाम तो ही कवर कर रहे। लखजीत, जाणांगे किस तरीके नाल जिहड़ा भंडारे की सौगात है। सब तो पहले तो गर्मी बहुत ज़्यादा सी कल दी, लेकिन अज जिहड़ा मौसम भी है आपकी गवाही भर रहा है कि अज का दिन बेहद खास सी। नहीं, पवित्र महापरोपकार दिवस जो डेरा सच्चा सौदा के इतिहास के मील का पत्थर है। परमपिता सहस्त्र नाम सिंह जी महाराज ने अपन एक ऐसे जी सौगात ऐसा गुरु अपन दिता जिहड़ा अज तक दुनिया के नहीं होया। जे आप इस भंडारे के पवित्र आयोजन की गल करिए, अज सवेर तो रिमझिम बुहारा के रिमझिम बुहारा सी, फिर तेज बारिश हुई, फिर उस फिर रिमझिम बुहारा चलिया। तो रिमझिम बुहारा का दौर हजे तक जारी है। उस तरीके संगत का आना भी बहुत जारी है। भी काफ़ी साल बाद देखा गया कि अज का जोड़ा दिन सगा भी यह लगे जो 25 जनवरी का भंडारा हो, संगत हुम हुम आगे पुगी है। फुलों के ते कलश के नाल ते रंग बिरंगी लाइटों के नाल स्टेज के आसे पासे सजावट की गई सी, जिहड़ी कि एक मन नूं भाउंदी सी। उहदे बाद गुरु जी की चिट्ठी भी आई, तो चिट्ठी दे विच गुरु जी ने फिर अपने वही 3 वचना ते रहण दा ते दृढ़ विश्वास रखण दा प्रण दोहराया भी अगर तुसी उहनां उत्ते रहिंदे हो तां सतगुर MSG रूप च तुहाडे मालामाल कर देणगे। उस तों बाद मानता भलाई दे कम्मां दी गल करिए, मानता भलाई के कामों की गल करिए, 132 परिवारों की 1 महीने की जिहड़ी रसोई की समस्या सी वह दूर हुई। 52 भंडारा मानता भलाई के कामों को करदा होए 132 परिवारों की रसोई का 1 महीने का सहारा बनिया। तो वो 13 जिहड़े दिव्यांग परिवार से जिहड़े चल फिर नहीं सकते सीगे, उन्होंने एक साथी की लोड़ सी वे चल फिर सकीए। तो उस वास्ते सहसराम डिग्री नर्स वेलफेयर फोर्स विंग वालों इन्हों ट्राईसाइकिल दिखाई गई। उस तो अलावा एक परिवार जो अपने KC सिंहपुर का आप काफ़ी सुनया है, बी ओ ब्लाक 110 जो मानसिक लोग है जो राह भटक जाते उन्होंने घर पहुँचा चुके, तो वह भी अज एक परिवार को लैके आए, तो वो परिजनों को सौंपया गया। तो कुल मिला के बहुत गजब प्रबंध से, गजब सारा कुछ सी। संगत आने का घट उमें ही है, ठाठा मारता घट है जी, तो उमें संगत नाल खचा खच भरे पंडाल है जी। तुम क्या प्रबंध बेहद खास है, क्योंकि आम तौर पर जो स्कूल होंगे उन्होंने हजार या 500 तक की जी गिनती होंगी बच्चों की, कितना कितने डिसिपलिन उतने भी कायम नहीं रहता। लेकिन समाप्ति तो बाद एडा वड्डा घट लखां दी गिनती ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇਕੱਤਰਿਤ ਹੋਏ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਨ MSG ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਮਿੰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੀ ਸੰਗਤ ਉੱਠਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਰੋਡਵਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸੰਗਤ ਖਾਣਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਬੈਠ ਰਹੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਆ। ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਏਰੀਆ 'ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਬਾਜਕਾ ਕੰਨੀ ਵੀ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਸਰ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸਾਰ ਰੋਡ ਤੱਕ ਸਾਧਨ ਭਰਿਆ, ਇੱਧਰ ਮਾਧੋ ਸਿੰਘਾਣਾ ਭਰਿਆ, ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਹੈ ਪੁਲ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 34 ਏਕੜ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਖੱਚਾ ਖੱਚ ਭਰਿਆ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪੰਡਾਲਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈ।
संगत की गिनती लाजवाब, संगत नूं तन तन नमन है कि संगत इन्नी हुम हुम आगे पुजी। बाकी लखजीत ने जिस तरीके दस्सिया कि साध संगत लई जिस तरीके का प्रबंधक समिति वालों इंतजाम किए गए थे वाकई काबिले तारीफ से। जिक्र किया स्कूल के भी 400-500 जिहड़े विद्यार्थी होंगे है, ज़्यादातर 1000 गिनती होंगी उन्होंने, लेकिन बावजूद उसके उत्थे भी प्रोटोकॉल कितना कितने डिसिप्लिन का नहीं दिखाई देता। पर तस्वीर खूब हू असं तुम्हें दिखा रहे हैं 23 सितंबर 2022 दियाँ जिथे समाप्ति हो चुकी है। संगत दरबार के अंदर लंगर भोजन प्रसाद ग्रहण करके एक सतगुर की नियामत लैके आपदे पूर्ण गुरु की चिट्ठी हासिल करके सतगुर के प्यार आपकी झोली में पा के अपने अपने घर परत रही है। बाकी अज का दिन बेहद खास सी क्योंकि 142 मानवता भलाई के कार्ज करके इस दिन डेरा सच्चा सौदा ने फिर इतिहास के सुनहरी अखरों में दर्ज कर